नमस्कारम स्वागतम। कैसे हैं आप सभी? तो आज हम लोग बात करने वाले हैं पवन मुक्तासन के बारे में, विंड रिलीविंग पोस्चर। जैसा कि आप लोग सब जानते हैं, विंड रिलीविंग पोस्चर एक बहुत ही सिंपल पोस्चर जो कोई भी प्रैक्टिस कर सकता है। बहुत ही एक्सपर्ट अगर आप हैं योगा में तो भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, बहुत ही अगर बिगिनर लेवल पे अगर आप लोग हैं तो भी आप लोग इस विंड रिलीविंग पोस्चर को प्रैक्टिस कर सकते हैं। पवन मुक्तासन, पवन का मतलब होता है विंड संस्कृत के अंदर, और मुक्त का मतलब होता है फ्री, मतलब विंड को फ्री कर देने वाला आसन। तो एज यू ऑल नो दैट हमें योगासन खाना खाने के 4 से 6 घंटे बाद करने चाहिए, जब हमारा पेट बिल्कुल साफ हो। और पवन मुक्तासन एक बहुत ही अच्छा आसन है योगासन की शुरुआत करने के लिए। जब आप योगा मैट पर जाएं और योगा करें 1 से आधे घंटे तक 40 मिनट तक, तो पवन मुक्तासन शुरुआत करने के लिए बहुत ही अच्छा आसन है। इसका कारण यह है कि इससे आपके पेट में या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में फंसी हुई जितनी भी गैस होती है वो शुरुआत में ही निकल जाती है, और इससे दूसरे जितने भी आसन हैं वो आपके लिए करने और आसान हो जाएंगे। पवन मुक्तासन करने के लिए आप अपने पीठ के बल पर जमीन पर सीधे लेट जाइए और धीरे से अपने पैरों को पूरा 90 डिग्री उठाइए पहले तो, और फिर धीरे से उनको नीचे लाइए। घुटनों को आप अपने चेस्ट के करीब लाइए और फिर धीरे से अपने दोनों हाथों से इस तरीके से करके अपने दोनों घुटनों को अपने चेस्ट के क्लोज रखिए और होल्ड करने की कोशिश कीजिए। बहुत ही इजी पोस्चर है, बहुत ही आराम से हो जाता है, बहुत ही बेसिक लेवल का विन्यासा स्टाइल का पोस्चर है। इसको आप 10 से 60 सेकंड मैक्सिमम होल्ड करके रख सकते हैं, और यदि आपको कोई भी सर्वाइकल या नेक प्रॉब्लम या साइटिका या फिर बैक प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है तो आप अपने शोल्डर्स को और नेक को उठाकर, अपने हेड को उठाकर अपने दोनों घुटनों के ठीक बीच में लगा सकते हैं। मींस योर नोज शुड टच योर नीज। अगर आप इस पोस्चर को अटेन कर पाए और इसको होल्ड कर पाए विद नॉर्मल ब्रीदिंग एब्सोल्युटली, तो ये बहुत बेनिफिशियल होगा। सो हु शुड अवॉइड दिस आसना? फर्स्टली पीपल हु आर हैविंग देयर बैक और नेक प्रॉब्लम्स शुड अवॉइड दिस आसना। पीपल हु आर सफरिंग फ्रॉम हाइपर एसिडिटी, हाई ब्लड प्रेशर, पीपल हु आर सफरिंग फ्रॉम हार्ट डिजीजेस शुड अवॉइड दिस आसना। प्रेग्नेंट वुमेन शुड अवॉइड दिस आसना। फीमेल्स दैट आर हैविंग देयर मंथली साइकिल ऑन शुड अवॉइड दिस आसना। इफ यू हैड रिसेंटली अबडोमिनल सर्जरी और समथिंग लाइक दैट, यू शुड अवॉइड दिस। इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम पाइल्स और यू आर सफरिंग फ्रॉम हर्निया, यू शुड अवॉइड दिस आसना। So now we have understood how to do Pavan Muktasana, what is Pavan Muktasana, and the precautions related to Pavan Muktasana. Here comes the best part, the benefits of Pavan Muktasana. So here they are. So ये सबसे पहले आपके abdominal muscles की massage कर देता है पूरी तरीके से, आपके intestine और digestive system के जितने भी internal organs हैं उनको better करता है, उनकी massage कर देता है, muscles को strengthen करता है, और जितना भी डाइजेस्टिव सिस्टम को बेटर करता है। दूसरा, ये आपके बैक मसल्स को स्ट्रेंथ देता है और आपके आर्म्स को भी स्ट्रेंथ देता है। प्लस ये आपके हिप एरिया में ब्लड सर्कुलेशन को बेटर करता है, आपके लोअर बैक में जितनी भी टेंशन है उसको रिलीज करता है, प्लस जितने भी आपको रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उनको स्टिपुलेट करता है, और आपके मेंसेस साइकिल में डिसऑर्डर्स को क्योर करता है, आपके पेल्विक मसल्स की मसाज करता है, आपके फैट बर्न में मदद करता है, आपके बटक्स में, आपके थाइस में और आपके अब्डोमिनल मसल्स में आपका फैट बर्न करता है, और तो और ये आपके नेक को और आपके लोअर बैक को भी अच्छा करता है। तो दोस्तों, ये पवन मुक्तासन कितना अच्छा आसन है, आपकी बॉडी के लिए कितना हेल्पफुल है। तो आप प्लीज़ इस पवन मुक्तासन को रोज सुबह उठने से पहले, बेड में से निकलने से पहले ही अगर आप इस पवन मुक्तासन को एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे, सिर्फ 20 सेकंड के लिए अगर आप स्ट्रेच कर लेंगे अपनी बॉडी को, तो आप अपने थ्रू आउट डे में एक बढ़िया एनर्जी, एक बिल्कुल कंफर्ट का एहसास करेंगे। आप
इस आसन को करने से पहले दो आसन कर सकते हैं, सुलभ पवनमुक्तासन जिसमें हम लोग अपने नेक को जमीन पर ही रखते हैं, अपने शोल्डर्स को, अपने हेड को जमीन पर रखते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने दो पैरों को अपने चेस्ट के पास लाते हैं घुटनों को, या अर्ध पवनमुक्तासन। इन दो आसनों को आप प्रैक्टिस कर सकते हैं इस आसन से पहले, प्रिपरेटरी पोज है एक तरह से ये दोनों। अर्ध पवनमुक्तासन में हम लोग क्या करते हैं, अर्ध पवनमुक्तासन में हम सिर्फ एक ही टांग को लेग पे आते हैं ऊपर अपने चेस्ट के पास, दोनों टांगों को नहीं लेके आते हैं, ये प्रिपरेटरी पोज है। इसके बाद हम अगर कोई आसन करना चाहें तो वो हम उत्तान पादासन कर सकते हैं, द्विपदा उत्तान पादासन, जिसमें कि हम अपने दोनों पदों को, दोनों पैरों को पूरा हवा में उठा देते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद आपका ये वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कुछ भी हेल्पफुल लगा हो, अगर आपको अच्छी लगी हो, अगर आपको बुरी लगी हो, प्लीज़ जो भी है कमेंट में लिख दीजिए, लाइक डिसलाइक शेयर करो ना करो आपकी मर्जी, अगर आपका जो दिल चाहता है आप वो कीजिए प्लीज़। मैं आपको कल मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ, थैंक यू फॉर वॉचिंग।